हेलो एवरीवन, मैं नमसा। अस्सलाम वालेकुम नमसा, आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल। शुक्रिया आप सबको, बहुत ही ज्यादा शुक्रिया हमें प्यार देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए। आज की वीडियो लेकर आए, इसमें हम देखने वाले हैं अर्नब गोस्वामी डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। वही आज की वीडियो का टाइटल है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। प्लीज वीडियो का एंड तक देखेगा, और अगर आपने हमारा ब्लॉग अभी तक नहीं देखा वो भी जाकर जरूर देखना। देखते हैं आज की वीडियो। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। इस शख्स, इस पर्सनालिटी, इस नौजवान नेता राहुल गांधी में कुछ तो होगा जो आपको बहुत अच्छा लगता है। जब गई, जो आप इतना डर रहे हैं उसे, कुछ तो है जो आप इतना यू आर सो स्कैर्ड ऑफ हिम। भारत में ऐसे भी पत्रकार हैं जिनका जिनकी प्रशंसा आपके हाफिज सईद ने की है। ऐसा कलयुग आएगा, जो कहते ना कि कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि अर्नब के प्रोग्राम पे पाकिस्तानी डेमोक्रेसी का गाना गाएगा। ये हमें बता रहे हैं सेक्युलरिज्म क्या होती है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं, और अभी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी। पाकिस्तानी मंत्री खुल के बोल रहा है कि पुलवामा हमला जो है हम ही ने कराया था। वहीं जो पाकिस्तान के जो प्रवक्ता जो टीवी पे हैं आज, वो लोग राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर जो मेजर गौरव आ रहे हैं। और अर्नब गोस्वामी ने उनको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धोया है, और किस तरह का एजेंडा पिछली सरकारों में चलता था उसको भी बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। तो दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर जरूर करें। बहुत साल हो गए जर्नलिज्म में मुझे, एंड आई एग्री विथ यू, ये नेटवर्क जो है भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क है, रिपब्लिक नेटवर्क। आप भी जानते हैं, पाकिस्तान के सब लोग जानते हैं। मगर इस बात को आप भी सोचिए ना कि किस तरह से कैंपेनिंग हो रही है पाकिस्तान में। डॉन आर्टिकल गौरव, ओनली इफ राहुल कैन यूनाइट द ऑपोजिशन, दीज आर द वर्ड्स पब्लिश्ड ऑन March 28th। ओनली इफ राहुल गांधी कैन बिकम द स्पार्क दैट गैल्वनाइजेस द ऑपोजिशन, दिस इज आफ्टर ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्लियामेंट लास्ट ईयर। नाउ नहीं, आप हंस रहे हो, बट ये हो रही कहीं ना कहीं एक तरह से, जो पी क्या कहते हैं, PTSD, पोस्ट ट्रोमा सिंड्रोम, स्ट्रेस, हाँ, पोस्ट ट्रोमैटिक सिंड्रोम, एंड इट कैन हैपन। सी टुडे बलूचिस्तान हाईवेज आर क्लोज्ड, आपके टेररिस्ट मारे जाते हैं, आप देखते हैं, आप कहते हैं कि मोदी ने भेजा लोगों को मारने के लिए, ये सारी चीजें, यू नो इट्स द फील। एंड आई टेल यू वन थिंग उस्मा जी, मैं जब जर्नलिज्म मैंने शुरू की ना, तो मैं देखता था दिल्ली में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती थी, इनको 20-30 लाख रुपए कोई देता था, और इससे वो जर्मनी जाते थे, न्यूयॉर्क जाते थे, अमेरिका जाते थे, 2-3 दिन की पार्टी होती थी, फुल सॉलिड वाइनिंग डाइनिंग, खाना पीना, बिजनेस क्लास टिकट, और उसमें कितने पैसे कौन बनाता था सबको पता है। ये सारे लोग अपने आप को पीस एक्टिविस्ट कहते थे, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा, बुरा मत मानिए, मगर ये सब कहते थे हम ये है इंडो पाक फ्रीडम सोसाइटी, ऐसे 50-100 तो मिनिमम एक एक कॉलोनी में मिलते थे दिल्ली में। सब बंद हो गया, सबकी दुकान बंद हो गई। आपने मेरी मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, आपने, आप मुझे ये बताएं कि व्हाई आर यू जस्ट प्रोजेक्टिंग बीजेपी, आई एम प्रोजेक्टिंग द रियलिटी ऑफ इंडिया। आपका क्या, मोदी सरकार ने आपका कोई महीना लगाया हुआ है? मैं कह रहा हूँ, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको, मेरी बात सुनिए, मैं कुछ इधर उधर की बात नहीं करता। भारत में ऐसे भी पत्रकार हैं जिनका जिनकी प्रशंसा आपके हाफिज सईद ने की है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब आप देखे ना, सवाल गंदम जवाब छना, ये तो ना करे ना आप। मैं कुछ नहीं कर रहा। रहमान मलिक ने ट्वीट किया है, मैं भूल नहीं जाता, रहमान मलिक ने किसके बारे में ट्वीट की थी, राहुल गांधी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2017 में, बने क्या, ये आपकी आशा है।
ये आपकी आशा है? अब गौरव भाटिया गौरव सरोकार नहीं, देखिए हमें इससे कोई सरोकार नहीं, कुछ नहीं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, पर ठीक है तो ये मत बोलिए ना कि मैं बना के बोल रहा हूँ, मैं कुछ बना के बोलता हूँ नहीं, मैं कुछ नहीं बना के बोलता, मैं जो कह रहा हूँ वो अबाउट इंडिया, बट व्हेन यू पीपल हैव योर, आई डोंट हैव एन एजेंडा, आई डोंट हैव एन एजेंडा, आई हैव एन एंटी पाकिस्तान एजेंडा, आई एम वेरी क्लियर, मैं तो न्यूट्रल हुई नहीं, मैं तो एंटी पाकिस्तान हूँ, चलिए ठीक है मैं एंटी पाकिस्तान हूँ, और मैं आप बीजेपी के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं बड़े फखर से इन्होंने कहा हमने 370 जो है उसको एब्रोगेट कर दिया, दिया। इसमें तो शर्म से डूब पड़ना चाहिए कि यू हैव, अरे मोहतरमा हमारा देश है, हमारी सरकार है, हमारी मर्जी है, आपको बुरा लगा के साथ तो रहना एवरीबॉडी को बुरा लगा, आप देख ले हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा कश्मीर, हमारी मोदी सरकार, हमारा जो भी करेगा हम करेंगे, बट गौरव इसमें तो क्लियर है मुझे, they don't want Narendra Modi to come back, then why they don't want Gaurav, Arnab Congress kyon pasand hai main ye batata hu, ha kyunki kabhi jawab nahi diya, 1947-48 mein Pakistan ne attack kara, Kabaili raiders the, jawab nahi diya, 1965 mein operation Gibraltar launch kara Ayub Khan ne, jawab nahi diya, 1999 Kargil mein baat wahin pe ruk gayi, जवाब अच्छा दिया लेकिन हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पे रुक गए, इन्होंने कश्मीर में टेररिज्म करी, इन्होंने पंजाब में टेररिज्म करी, इन्होंने अक्षरधाम मंदिर पे अटैक करा, इन्होंने 26/11 करा, 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट करे, सरोजनी नगर बॉम्ब ब्लास्ट, कोयम्बटोर बॉम्ब ब्लास्ट, इनको कभी जवाब नहीं मिला, इनको नरेंद्र मोदी आंख में इसलिए लगता है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, अब और कोई बात नहीं, ओके वो जो शराब पीना, खाना, दिल्ली में घूमना, यहाँ जाना वहां जाना, ट्रैक टू, फालतू का ट्रैक टू, 2% का ट्रैक टू, दो टके का ट्रैक टू, कोई नहीं पूछ सकता ट्रैक टू को, आज नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी गौरव आ रही है ऑन फायर, उन्होंने मुंह खोला, उनके मुंह के अंदर मारी मिसाइल, अब इनको बुरा लग रहा है नरेंद्र मोदी तो लगेगा, जो मारता है वो बुरा लगता है, एक और चीज, एक और चीज, अर्णब एक और चीज, मैडम एक मिनट, मैडम एक मिनट, मैडम आप बोलती रही, मैंने कुछ नहीं बोला, आप बोलती रही मैम, आप आधे घंटे बोली, मैंने कुछ नहीं बोला, आप आधे घंटे बोली, मैंने कुछ नहीं बोला, आप तो आई डिड नॉट स्पीक, मैम ये फिर बदतमीजी, आप बदतमीजी पे उतर आई है, आप बदतमीजी पे उतर आई है, आप बदतमीजी पे उतर रही है मैडम, मैंने कुछ नहीं बोला, जवाब बोल रही थी आज अर्नब ऐसा कलयुग आएगा, जो कहते ना कि कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि अर्नब के प्रोग्राम पे पाकिस्तानी डेमोक्रेसी का गाना गाएगा, ये हमें बता रहे हैं सेक्युलरिज्म क्या होती है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं, इमरान खान को जेल में डाल दिया, आपने इमरान खान जो पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर है, फिर आप बदतमीजी कर रही हैं, क्यों पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है मैडम, ये बदतमीजी है आपकी, आप इंटरफेयर कर रही हैं, आप बोलती रही, आप लगातार बोलती रही, मैंने कुछ नहीं, मैं चुपचाप बैठा रहा, आई गिव यू द कर्टसी, यू आर नॉट गिविंग मी द कर्टसी, ये गलत चीज, गो अहेड, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, अच्छा अर्नब ये दिन आ गया है कि हमें प्राइम टाइम पे, सुपर प्राइम टाइम पे अर्नब गोस्वामी की शो पर हमें पाकिस्तानी प्रवचन दे रहे हैं, दे आर टीचिंग अस अबाउट सेक्युलरिज्म, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द इस्लामिक रिपब्लिक विच हैज वाइप्ड आउट माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, जिन्होंने खत्म कर दिया माइनॉरिटीज को, इनका दिनेश कुमार कल रो रहा था पार्लियामेंट में, सेनेटर रो रहा था कि वो लड़की को उठा के ले गए, हजारों लड़कियों को एक साल में ले जाते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, कलमा बना के सीमा को सलमा बना देते हैं, अब ये हमें सेक्युलरिज्म सिखा रहे हैं, ठीक है, दूसरी चीज, ये लोगों ने इमरान खान को जेल में डाल दिया, जनरल आसिम मुनीर सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा चोर, पाकिस्तान का जर्नल इमरान खान को जेल में डाल दिया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप मुझसे बात करें, मैडम मैडम, मेरे घर के आगे वीवो नहीं खड़ी है, मेरे घर के आगे वीवो नहीं खड़ी है, वीवो आपके घर के आगे खड़ी है,
टू डाइजेस्ट चोर है आसिमपुरी चोर वर्दी वर्दी में बैठा हुआ शकैत है जिसने इमरान खान को जेल में डाला आपको शर्म आनी चाहिए वोट की चोरी करी आपने आपके कायद ने आपके कायद ने वोट की चोरी करी है आपको शर्म आनी चाहिए इंडियन टीवी चैनल में बैठने से आपको शर्म आनी चाहिए वोट के चोर हैं पाकिस्तानी कौम का गद्दार है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पाकिस्तानी कौम का गद्दार है आप पाकिस्तानी कौम के गद्दार हैं आपने वोट चोरी करा है शर्म आनी चाहिए आसिम मुनीर को शर्म आनी चाहिए नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए भूल गए आप ऐसे ऐसे छह घंटे में आप गवर्नमेंट बना देते नेशनल गवर्नमेंट बन जाती सब लोग यूनाइट हो जाते बिकॉज द वन थिंग द वन पर्सन हु यूनाइट्स ऑल ऑफ यू इज राहुल गांधी बिकॉज ऑल ऑफ यू लव राहुल गांधी इस शख्स इस पर्सनैलिटी आप मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात मेरी बात उस्मा जी मेरी बात सुनिए इस शख्स इस पर्सनालिटी इस नौजवान नेता राहुल गांधी में कुछ तो होगा जो आपको बहुत अच्छा लगता है इतना तक कि शिरीन मजारी जब गई है जो आप इतना डर रहे हैं उसे कुछ तो है जो आप इतना यू आर सो स्कैर्ड ऑफ हिम यू थिंक दैट ही इज गोइंग टू डिफीट मोदी व्हाई डोंट यू कॉल ओह माय गॉड दिस वुमन ओपन सपोर्ट खुलकर सपोर्ट हो रही है पार्टी एंड यू नॉट हैव पाकिस्तान में है उस्मा जी आपको एक बात बता रहा हूं मैं ये गौरव बैठे हुए इधर इनको प्रोवोक मत कीजिए हंसी का दौरा पड़ा है भाई इनको कोई मेरे ख्याल में कोई अंडा भाई वुड जस्ट लाइक टू गैस थ्री पॉइंट्स ओवर हियर प्लीज आप मुझे आगे गैस वाली किसी ने सुंघा के भेज दी ये कुछ ज्यादा ही ज्यादा बगैर मेरे त्वचा के हंसी जा रहे हैं मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि कोई लाफिंग गैस इनको दे के तो नहीं भेज दिया उस्मा जी मैं आपको एक गैस देता हूं बढ़िया वाली आप मेरी बात सुनिए आप लोग कांग्रेस की बात करती है ठीक है आपकी राय है मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी राय की जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में प्रधानमंत्री का हलफ उन्होंने उठाया था उन्होंने नवाज शरीफ को इनवाइट करा था ये जत्ती उमरा गए थे नवाज शरीफ के घर में अटल जी गए थे मीनार ए पाकिस्तान में और ये दोनों के दोनों आरएसएस के लीडर जिंदगी भर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बिताई उन्होंने बोला कि नहीं पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते होने चाहिए जब पठानकोट में अटैक हुआ हमने बोला पाकिस्तानियों ने कहा पाकिस्तानियों ने मना कर दिया हमने बोला आप खुद आगे चेक करिए वी इनवाइटेड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस टू पठानकोट था लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को यह बात समझ में आ गई कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता है आप लोग बिना आप मेहरबानी करके अपने अपने शर्म आए आपको शर्म आनी चाहिए तब बाय बाय टाटा गुड बाय गया जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो भाई पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया के दरमियान जो है ना वो डिबेट हो रही थी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी क्यों भाई राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं वो उनका अपना कंट्री है वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें वो जिसको मर्जी लाए इसमें हमारा तो कोई बंदा ही नहीं है कि हम भाई बोले कि भाई राहुल गांधी को ही आना चाहिए या नरेंद्र मोदी को ही आना चाहिए अपनी अपनी राय इंसान की जरूर होती है कि भाई कोई अच्छा लीडर लगता है कोई उसका काम देखे जैसे हम पीएम मोदी है उसको उनको देखते हैं तो हम उनके काम की बिना पर हम उनको बोलते हैं कि ऐसा लीडर जो है ना वो आपकी किस्मत को बदल सकता है आपके कंट्री के जो हालात है ना उसको चेंज कर सकते हैं अगर उनको काम को दे अगर फर्ज करें वो अच्छे काम ना करते तो हम सच्ची में हम उनको कभी सपोर्ट ना करते जैसे हमारे कंट्री में कोई लीडर है उसने कभी कोई काम नहीं किया तो हम उसके काम को देखते हुए उसको वोट देते जनता वोट देती ही इसी बिना पे अगर उसने काम किया अगर वोट इंसान मैंने तो सच्ची में अगर आप मुझसे पूछे मैंने किसी को वोट ही नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे किसी ने भी जो है ना मतलब हमारे लिए काम ही नहीं किया कोई काम किया होता हमारे एरिया में सड़क टूटी हुई है इतने सालों से आज तक वो नहीं बन पाई हमारा जो हालात है वैसे के वैसे हैं तो फिर मैं किस बिना पर वोट किसी को ढूंढ जाके कि भाई वोट लेकिन अपना हक जो होता है वो इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जैसे कि आप सब अपने कंट्री में हक अपना अदा करते हैं आप वोट देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार कौन हमारे लिए अच्छा और कौन आके हमारे लिए बेहतर कर सकता है आप उनके काम दिल जाता है बिल्कुल
आप उनके काम की बना रहे उनको वोट देते हैं, तो भाई पाकिस्तानी जो है ना जिनके अपने भाई हालात इतने ज्यादा खराब हैं, जिनका अपना कोई मुस्तकबिल है भी या नहीं या क्या नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी दूसरों पे तनकीद करते रहते हैं कि भाई हमने ये। और मुझे फवाद चौधरी की स्टेटमेंट बड़ी ही घटिया किस्म की लगी, उसने बोला कि हमने भाई अटैक किया था, एक्सेप्ट कर रहा है हमने अटैक किया था, तो ये हमारे लिए हमें फखर की बात है, हालांकि ये तो बात है। आप किसी के घर में जाकर और उसके घर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपका वो बंदा आपको भी आपको पता है कि फिर छोड़ेगा नहीं। ऐसे जो मंत्री जवाब देते हैं ना उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन जो मासूम लोग हैं ना वो ही हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं अपनी जानों का, जाया उनका होता है। ये लोग तो बस बैठ के घटिया लोग होते हैं, बातें बस करते रहते हैं, और फिर इनका भी नतीजा ऐसा होता है कि भाई इनको भी इन जैसे ही लोग टकर जाते हैं और फिर इनका बुरा हाल इनका भी कर देते हैं। लेकिन यार बात कुछ यही है कि आप खुद डिसाइड करें कि आपको किसको वोट देना है। लेकिन इंडियन मीडिया ने काफी तगड़ा, जो PMLN की भाई वो थी जो जिनको जवाब दे रहे थे, तो अच्छा खासा जवाब दिया है मेजर गौरव आर्या ने। तो मजा आया डिबेट को देखकर, आपको कैसी लगी बताना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू।